नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भार्गव। नो इंट्रो नो टाइम पास, डायरेक्ट काम की बात। तो दोस्तों, आज मैं अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू करने वाला हूं एक बेस्ट इंपोर्टेड इलेक्ट्रिक वाटर गीजर का, जो ये रहा। तो अगर आप सोच रहे हैं कि गर्मियों के सीज़न पे मैं क्यों गीज़र का रिव्यू कर रहा हूँ, इसका दो रीज़न है। एक तो गर्मियों के सीज़न में सर्दियों के सीज़न के जो अप्लायंसेस होते हैं वो कम दाम में मिल जाते हैं, और दूसरा रीज़न है यहाँ बेंगलोर पे ज़बरदस्त ठंड पड़ रही है। मेरे आवाज़ से आपको पता चल ही गया होगा कि सुबह मेरा क्या हाल होता होगा। तो इसीलिए मैंने लिया है एक बेस्ट इलेक्ट्रिक वाटर गीजर, और ये एक स्टोरेज वाटर गीजर है 25 लीटर का। और इतना बड़ा वाटर गीजर मैंने लिया है सिर्फ 8600 रुपीस पे। और इसको मैं बेस्ट इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि एक वाटर गीजर में जो जो होना चाहिए सब कुछ इसमें है। इसमें वारंटी आपको मिलेगा 2 ईयर्स का, और इसके अंदर पे जो टैंक है उसमें 5 ईयर्स का वारंटी है, और इसमें जो एनोड है वो मैग्नीशियम एनोड है, वो सब होना चाहिए। तो इसको अनबॉक्सिंग करके मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले चलिए बात करते हैं आपको किस टाइप का गीजर लेना चाहिए। तो सबसे पहले आपको एक ऐसा गीजर लेना चाहिए जिसमें इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन बहुत कम हो। उसका जो रेटिंग हो मिनिमम 4 स्टार रेटिंग होना चाहिए, जो इसमें है, और उसके अंदर मैग्नीशियम एनोड होना चाहिए, जो इसमें है, और मिनिमम वारंटी होना चाहिए 2 ईयर्स का, और इनर टैंक का 5 ईयर्स का वारंटी होना चाहिए, जो इसमें है। और साथ ही अगर आप बहुत ऊंचे अपार्टमेंट पे रहते हैं तो आपको हाई प्रेशर वाला गीजर लेना चाहिए जिसके अंदर 8 बार प्रेशर टैंक होना चाहिए, जो इसमें है। और ये इसीलिए क्योंकि जो ऊंचे अपार्टमेंट्स होते हैं उसमें जो वाटर टैंक होता है एकदम ऊपर में होता है, मान लीजिए 35 फ्लोर 50 फ्लोर या उससे भी ऊंचा हो सकता है, तो ऊपर से पानी आते आते नीचे तक बहुत ही ज्यादा प्रेशर हो जाता है, और उस प्रेशर से नॉर्मल गीजर का जो टैंक होता है वो फट भी सकता है। इसीलिए आपको एक हाई प्रेशर झेल सकने वाला वाटर गीजर लेना चाहिए जिसमें 8 बार सबसे ज्यादा होता है, जो इसमें है। और अगर आप एक इंडिविजुअल हाउस पे रहते हैं तो आप 6 बार का भी गीजर ले सकते हैं, और उसका जो वाट होता है वो 2000 वाट का होना चाहिए, ये भी 2000 वाट का है। और अगर आपके घर पे हार्ड वाटर आता है तो गीजर के जो इनलेट होता है उसमें एक वाटर सॉफ्टेनर लगाना पड़ता है, लेकिन इसमें कुछ लगाने का जरूरत नहीं है। चाहे आपके घर में हार्ड पानी आता है जिसका चाहे TDS भी ज्यादा हो, ये सब कुछ झेल लेता है, आपको कुछ एक्स्ट्रा लगाने का जरूरत नहीं है। और सबसे जो जरूरी बात, जो गीजर होता है उसके अंदर जो टैंक होता है वो स्टील का होना चाहिए, नहीं तो उसमें जंग लग जाएगा और जल्दी ही खराब हो जाएगा। इसके अंदर 2 mm मोटा स्टील टैंक दिया हुआ है, और उसके ऊपर भी टाइटेनियम एनामल ग्लास का एक कोटिंग दिया हुआ है जिससे इसका लाइफ बढ़ता है। उसके साथ साथ इसका जो बॉडी है वो IPX4 वाटर रेजिस्टेंट है, तो अगर बाथरूम के अंदर इसके ऊपर पानी वानी गिर जाए तब भी कुछ होने वाला नहीं है। और ये जो ब्रांड है अमेरिकन मैक्रोनिक्स, उससे आपको पता चल गया होगा कि ये मेड इन अमेरिका है, लेकिन जो ये ब्रांड है अमेरिकन मैक्रोनिक्स, ये इंडियन ब्रांड है। आपको इसका सर्विस इंडिया पे आसानी से मिल जाएगा, और कंपनी ने बोला है ये नॉइज फ्री है, और साथ ही बिजली बचाने के लिए ये ऑटोमेटिक ऑफ हो जाता है। और जो कि ये एक 25 लीटर का स्टोरेज वाटर गीजर है, इसीलिए एक बार पानी गर्म होने के बाद इसके अंदर बहुत देर तक गर्म पानी स्टोर होकर रहता है। भले ही बिजली चले जाए तब भी आपको काफी देर तक बहुत सारा गर्म पानी आपको मिलेगा। तो ये सब था फीचर्स आपको किस टाइप का गीजर लेना चाहिए। तो अभी बात करते हैं आपको कितना बड़ा गीजर लेना चाहिए। तो बाजार पे 10 लीटर 15 लीटर 25 लीटर का वाटर गीजर मिलता है, उससे भी छोटा मिलता है, लेकिन वो किचन के लिए होता है। तो मैंने जो लिया है ये है 25 लीटर का, इसका दाम है 8600। इससे नीचे का जो 15 लीटर का है उसका दाम है 7600, और 10 लीटर का दाम है 6600। तो सिर्फ 1000 का डिफरेंस है। तो आप इनमें से कोई सा भी ले सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। लेकिन आपको कौन सा लेना है, तो अगर आपके घर में सिर्फ 2 ही मेंबर है, या फिर आप एक कपल है, तो आपको 10 लीटर का वाटर गीजर लेना चाहिए। या फिर आपके घर में 2 से ज्यादा सदस्य है लेकिन वो लोग शावर का यूज नहीं करते हैं, बकेट से ही नहाते हैं, तो आपको 10 लीटर वाटर गीजर से काम चल जाएगा। लेकिन अगर आपके घर में 3 से 4 लोग हैं तो आपको 15 लीटर का गीजर लेना पड़ेगा, लेकिन उसमें भी आप शावर का ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो अगर आपको ज़्यादा शावर यूज़ करना है और ज़्यादा देर तक आपको नहाना है, और आपके घर में 4 से ज़्यादा लोग हैं, तो आपको 25 लीटर का ही गीजर लेना पड़ेगा। उसमें ज़्यादा पानी स्टोर होकर रहता है, और उससे आप ज़्यादा देर तक शावर ले सकते हैं, और घर के सभी लोगों के लिए वो सफिशियंट होता है। तो सिर्फ 1000 का ही डिफरेंस है, आप 25 लीटर ले सकते हैं। तो अभी आपके मन में एक डाउट आ रहा होगा कि मैंने अमेरिकन मैक्रोनिक्स का ही गीजर क्यों लिया, वो इसीलिए क्योंकि ये टॉप क्वालिटी का गीजर है, और इसका जो डिजाइन है बहुत ही अट्रैक्टिव है, बहुत ही ब्यूटीफुल गुड लुकिंग गीजर है, एकदम प्रीमियम क्वालिटी का है, इसीलिए मैंने लिया। और एक बेस्ट गीजर में जो जो फीचर्स होना चाहिए वो सब कुछ इसमें है, लेकिन इसका दाम कम है।
इसका कस्टमर सपोर्ट भी अच्छा है, आफ्टर सेल्स सर्विस भी अच्छा है, तो इसीलिए मैंने इसको लिया। तो चलिए अभी देखते हैं इसके साथ आपको क्या क्या मिलने वाला है, मतलब इसके बॉक्स पैकेजिंग को। तो ये रहा बॉक्स, यहाँ पे मॉडल नंबर देख सकते हैं और 8 बार प्रेशर टैंक और टाइटेनियम एनामल ग्लास लाइनिंग के बारे में भी लिखा हुआ है। बॉक्स के साइड पे 4 स्टार रेटिंग देख सकते हैं और इस साइड में वो सब फीचर्स लिखा हुआ है जो मैंने आपको बताया था। तो चलिए करते हैं अनबॉक्सिंग। सबसे ऊपर एक छोटा सा पाइप मिला है, इसका भी जरूरत पड़ेगा। उसके बाद ये होगा यूजर मैनुअल और वारंटी कार्ड्स, और इसके अंदर 4 वॉशर्स भी दिए गए हैं। तो ये हो गया यूजर मैनुअल, और ये हो गया 2 इयर्स का वारंटी कार्ड और 5 इयर्स का टैंक का वारंटी कार्ड। उसके बाद ये सब हो गया माउंटिंग बोल्ट्स, ये हो गया प्रेशर रिलीज वाल्व, और ये है माउंटिंग प्लेट जो पीछे लगेगा। तो अभी बॉक्स को उल्टा करना पड़ेगा, तभी जो मेन गीजर है वो निकलेगा। तो निकल चुका है मेरा नया गीजर। ये एक बहुत ही स्टाइलिश गीजर है, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। आपको कैसा लगा कमेंट करके बता सकते हैं। इसके सामने टेम्परेचर कंट्रोल नॉब भी है, जिससे आप पानी का टेम्परेचर को 30 डिग्री सेल्सियस से 75 डिग्री सेल्सियस तक कम ज्यादा कर सकते हैं। और उसके ऊपर ये हीटिंग इंडिकेटर है, और इसका जो डिजाइन है बहुत ही अट्रैक्टिव है। साथ ही ये टॉप क्वालिटी का गीजर है विथ ऑल फीचर्स, और ये एक ब्यूटीफुल गुड लुकिंग इम्पोर्टेड वाटर गीजर है जो सालों साल चलेगा। तो आपको कुछ चिंता करने का जरूरत नहीं है, लेकिन इसको बाथरूम में इंस्टॉल आपको खुद करवाना पड़ेगा। कोई भी प्लम्बर इसको इंस्टॉल कर सकता है। उसके लिए 2 पाइप चाहिए होगा, वो साथ में नहीं मिलता है, किसी भी गीजर के साथ नहीं मिलेगा। वो आपको अलग से 2 पाइप खरीदना पड़ेगा, वो आपको आपके प्लम्बर बता देगा। तो सर्दियों में जो सबसे काम आने वाला चीज है वो एक गीजर है, तो अभी इसको खरीद के आप रख लीजिए, क्योंकि सर्दियों के सीजन पे इसका दाम बढ़ने वाला है। तो अगर आपको ये लेना है, इसको खरीदने का बेस्ट बाय लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको आज का वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा, काम का लगा। अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, और इस तरह का यूजफुल गैजेट्स का रिव्यूज देखते रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो जल्दी से मिलते हैं एक दूसरे यूजफुल गैजेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।